सरासर झूठ। खाऊ 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 खाऊ। संस्कारी लड़के YouTube चैनल में बहुत अच्छे हैं। होपफुली आप सब लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाकर के यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से पता चल जाए। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने सर पे क्या पहना हुआ है। ये मैंने मतलब कॉटन का कोई क्लॉथ ऐसे मतलब बांधा हुआ है ताकि मेरे जो वेट हेयर्स हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाएं, क्योंकि कॉटन का क्लॉथ सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हेयर्स के लिए। तो मुझे जाना है बुलंदशहर। मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी कि क्यों जाना है, तो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। मुझे मुकेश के साथ जाना है बुलंदशहर। तो मैंने नहा लिया है और मम्मी मेरे लिए खाना भी लेकर आ गई हैं। दाल चावल बनाए विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड। मतलब मुझे अगर कुछ ऑप्शन ना हो खाने में और ये मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो जल्दी से खाना खाते हैं अपना और निकलते हैं बुलंदशहर के लिए। मैंने आउटफिट भी अपना तैयार कर लिया है, क्या पहन के जाना है। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पहनने क्या वाली हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने खाना शाना खा लिया है, अब रेडी होने लगते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने में। तो मैंने पैर वैर अपना निकाल दिया है, ये देखो ये रहा मेरा पैर और ये रही मेरी शर्ट, ये मैं पहनने वाली हूँ, ये सॉक्स है। और रेडी होने के बाद मिलते हैं सीधा, ठीक है। आप जल्दी से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बस निकलने लगे हैं। पापा के पास कॉल करके बस पूछना है मुझे कि वहाँ पे कुछ लेकर तो नहीं जाना है। जल्दी से कॉल करके पूछते हैं और फिर निकलते हैं। स्कूटी रेडी है हमारी, मैं स्कूटी के साथ आज कर रही हूँ वाइट वाइट और आउटफिट में दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। पापा को पहले कॉल करके पूछ लेती हूँ मैं, ओके। तो हम निकलने लगे हैं, स्कूटी पर बैठ चुकी हूँ। सो पहुँच कर मिलते हैं वहाँ पे अब, ठीक है। बाय 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 नंगे दी, नमस्ते। तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आई कहाँ पे हूँ बुलंदशहर में। मुझे कोर्ट में बुलाया गया था क्योंकि यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट होना था आज केस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। और अभी तक हम लोगों को वेटिंग पर ही बिठाया हुआ है। मुझे यहाँ बुला लिया था, अभी 2 बजे आ गई थी और अभी 3:30 होने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देती रहूँगी। तो
खाई लेने घर पर पहुँच गए भीगते भागते, ये आउटफिट था मेरा और ये हालत हो चुकी है, बहुत ही गंदी बद्दी जूतों में पिच पिच पानी की आवाज़ आ रही है। मम्मी लेटी हैं कैंडी गोटन को, बहुत खुशी हो रही है हमें देख के, मेरा ये पैर ना खराब हो जाए बस, मेरे को इसका डर है। अब चेंज करने के बाद मिलते हैं। ये जो व्लॉग है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मतलब कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको। मामा आए हैं त्यौहार देने के लिए, जो होता है ना सावन में आते हैं रक्षाबंधन से पहले बहन को त्यौहार देने के लिए, तो मम्मी को त्यौहार देने आए हैं मामा। मैं दो मामू हैं, छोटे वाले मुंबई रहते हैं और ये नरोदा रहते हैं, तो ये त्यौहार देने आए हैं, तो मैं इनको दिखाती हूँ एक बार। पहले इस खूबसूरत महिला को देखो। कुछ भी, कुछ भी। हम दोनों की हालत खूबसूरती है हुई पड़ी है, लेकिन कोई ना, शक्ल किसको ही देखनी होती है ना, कंटेंट होना चाहिए बस, वो है वो भी है नहीं। कंटेंट के नाम पे हम लोग वो कर देते हैं, बहुत ही गंदा वाला कीड़ों वाला। उनके लिए मार्केट से कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए हैं, तो वो भी मतलब अन्ना लेने गया है तो वो आने वाला होगा। चाय मामा को बहुत पसंद है, ऑल टाइम फेवरेट चाय, तो रात के दो बजे भी उठ करके ना मामा चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल, रात के दो बजे उठकर बनवाते थे जब हम इनके घर छुट्टियों में रहने जाते थे, तो दो बजे उठ के जब हम भुड़क लगता है तब। अभी कुछ भी नहीं किया और बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मामू को दिखाती हूँ। ये रहे मामू, ये रहे मामू। ये बस मजाक चल रहा है, हम लोग खाते नहीं है कुछ भी नॉन वेज। मामा का बेटा, अरे ना काट रही भाई आएगा। नमस्ते। ये मामा का बड़ा बेटा, झूठ बोल रहे हैं मामा। कितना क्यूट है, पांडा टाइप है देखो। हम बोलेंगे कैंडी को बुलाओ। ये चाय बनाई है, ये चाय और ये समोसे और पकौड़ियाँ आई हैं। झूठ सरासर झूठ। ये बालों वाली औरत कर रही है यहाँ पे, हाथ पे बिल्कुल बाल नहीं है इसके। तो ये लोग चल दिए हैं, अभी आएंगे शाम को 4-5 बजे के करीब खाना वाना खाने के लिए। अभी हम मौसी के घर पे जा रहे हैं। ये आशु देख रहा है घर, कैसा लग रहा है आशु? बढ़िया है, रुक जाए है ना, रुके। तो यार हम अब यहाँ पे मामा का वेट कर रहे हैं, मामा आने वाले हैं मौसी के घर से, वो फाइनली निकल चुके हैं वहां से और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे मामू का। तो अभी वो आने के बाद खाना शाना खाएंगे एंड देन उसके बाद में थोड़ा आशु जो है, जो मामा का बेटा है उसका नाम आयुष है, उसको प्यार से आशु बोलते हैं हम लोग, तो उसके साथ में करेंगे हम बहुत सारी मस्ती अगर हो पाई तो। यहाँ से भी गए थे वो बारिश में भीगते हुए और वहाँ से आ भी रहे हैं बारिश में भीगते हुए। वहाँ मौसी ने उनके मशीन में ड्रायर में कपड़े जलेबियाँ खा लो। ये त्यौहार यहाँ पे ये त्यौहार देते हैं ना सावन में आता है, जो भाई जो बहन के लिए देकर जाते हैं। मामू भी वही देने आए थे आज घर पे और यहाँ से एक आंटी हमको देकर गई है, तो नंदिनी ने खा भी ली। मामू आ गए, ये देखो ये देखो, ऊश कैंडी ऊश। ये कैंडी को मामू परेशान कर रहे हैं, भागेगी अंदर अब। ओए आंसू, भीग गए थे तुम लोग, आजा। तो अब मामू यार खाना वाना खाने लगे हैं, वो आ गए थे कैंडी को परेशान करने के बाद, फाइनली वो खाना वाना खाने बैठ गए हैं मामू और आशु। तो अब मिलते हैं खाना खाने के बाद सीधे। ओके
तो अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ये टट्टू सिंह नीचे आ रहे हैं ऊपर से। इसका नाम है अनंत, ये हमारा छोटा भाई है, नाम के लिए खैर रहते हैं। असुआ छत पे है, मेरे दिल का ले गए चैन। हम खेलेंगे आजू के साथ चिड़िया उड़, और मैना उड़, और भैंसिया उड़, और गैया उड़, और जिसकी भैंस उड़ गई उसको हम उड़ा देंगे। बैठेगी, हटा इसको, ठंडी हट, कॉटन पीचर है बदतमीज। अब देख आ रही है कैमरे के बहुत जल्द में काट देगी बदतमीज, कॉटन हट। ये बूढ़ी गधैया को देखो इसका बैठना, अन्ना पैर तू इधर की साइड, मेरी वाली जगह। हाँ बड़े पैरन के जल्दी चल दफा हो, लेना दखी वो में ले लेना। अब बतियार के ना बता, गवाह यहां पे बैठना, इनको भगा चल। ये क्यों नहीं अरे चल बैठ जा, बैठ जल्दी। डोंट एनीवन टू क्रिटिसाइज मी, चलो फॉर माय लुक्स मैं बोलूंगी नीचे तारी या और मैं ना और ठीक है दफा हो, दफा हो, खाट पे जाओ, तुम्हारी खाट भी चलो। चलो बैठ जा भाई, भाई बैठ, तेरी अम्मा की जय। क्या टू थ्री चिड़िया उड़, मैं उड़, तूने उड़ाया नहीं ऐसा नहीं होता। चलो फिर से शुरू करते हैं। अरे यार कुतिया उड़, उड़ 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 उड़, सच में उड़ गई, हमने सही बोला था दोस्तों, कुतिया उड़ गई, ये भी आई उड़ने को। चल दोबारा यार, चलो दोबारा चलो चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, भैंस उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, कील उड़। क्या चील बोली? मैंने कील बोली थी, मैं चील सुनाई नहीं भाई। ओ देख 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 देख, पंगा के ऊपर पास है, हम पंगा के ऊपर पास है। चीटर्स चीटर्स, ओए चलो ए मामा चिड़िया उड़ खेलो ए। दिस इज मशीन, अब पीछे गिरा तो मैं तो का कर लेगी। हां मैं टांग खेल दूंगी मामा, आने चिड़िया मैना उड़ खेल ले। चलो मामा शुरू करो, ए मामा आओ थोड़ा इधर आ जाओ, हाथ दिखने चाहिए। ओ मामा की बहुत तेज लगेंगी, लगेंगी ले, एक कर रहे हैं वो चिड़िया, ना इधर रखना एक जगह ही। चिड़िया मैना उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, भैंस उड़, गैया उड़। और मैंने मीम में देखी है गैया उड़े, मामा की गैया अभी तक रुक ना रही है उड़ते उड़ते। चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, कील उड़, कील बोला था मामा। मामा डर रही है, डर रही है, तुम्हारे डराने तो भागेगी। हाँ मामा काट लेगी। ये भाग आनंद आ रहा यार, ये क्या पनिशमेंट क्यों ना मिल रहा है इसमें जो हार रहे हैं उनको। तुम्हारी तुम्हारी गैया उड़ रही है, वो देख कौन सी उंगली उड़ पा रहा है। चलो एक और बार मामा की उंगली, गलती कोडन करे कोडन ही पिटेगी। अन्ना
चल जल्दी हाथ कर, तो दौड़ पास में कर, मैं ना उड़ काय उड़ चाय उड़ आशु ने चाय उड़ाई, कब उड़ मैं ना उड़, तोता उड़ भैंस उड़ गैया उड़ मेरे उड़ते उड़ते रह गई मैं चिड़िया उड़, मैं ना उड़, कबूतर उड़, कौआ उड़, आंसू उड़, कुमकुम उड़ उड़ाया नंदिनी ने मुझे उड़ाया। हमारा नया गेम हुआ है इन्वेंट, खाऊ खाऊ मामा कुछ भी खाने की चीज का नाम लेंगे और उसके आगे हमें बोलना है खाऊ 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 खाऊ। हम तो खाते हैं मामा नंदिनी को पनिशमेंट दे रहे हैं। आशु तेरी बारी, मार इसके लूजर नंदिनी। अब तुम बोलो ना, कौआ कबूतर चिड़ी बिल्ली मैंने नहीं उड़ाया, चलो दुआ चलो, तोता कबूतर मोर उल्लू चीकू ना चीकू ना चीकू ना चल उल्लू मैना कबूतर क्रिया मामा मामी नानी नानी को अगर छत पे हम उड़ाएंगे मामा तो नानी पता है तो अरे बारिश आ रही है तो आज जाने की जरूरत का है। तो फिर 500 देके जाओ 50-50 ले लेंगे हम इसमें से। किस चीज का है ये एप्लीकेशन है? मामा स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे की एप्लीकेशन भिगा दी। कितने ला क्या बोलते हैं लापरवाह है हमारे मामा, कैसे प्रिंसिपल हैं? वो तो ठीक है जेल पेन से ना लिखी मैंने ना दिख तो रहे हैं वर्ड्स। ये मामा ने विदा दिए हमको। हम मामा से बोल रहे हैं आशु कुछ बोल रहा हूँ ना रुके लेकिन 15 अगस्त को ना इसका स्कूल में इसने परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किया है किसी में तो पढ़ेंगे ठंडों में पढ़ेंगी अब जाके रुकने ना दे रहा है को। अब मामा जा रहे हैं तो मामा को बाय बाय टाटा बोलने चलते हैं ओके। आशु खा रहा चटले खाया खा नहीं रहा क्यों
वीडियो देख रहे हैं संस्कारी लड़के पैर छू रहा मम्मी के नमस्ते। ये हमारा आशु निकाल रहा है यहाँ से स्कूटी। मम्मी आप बुरे ये एट्थ क्लास में है बस अभी आया ले। हम गलत थे कि इसे स्कूटी आती है, इसने हमारी स्कूटी में ठोक दिया। आशु आशु रे पांडे रे पांडे। मामा तुम्हें डबल रोड दिखा रहे हैं क्या? गली कितनी सुंदर है ना। ये पाइप जो है ना ये ना हो जाता ना भारी हो जाता। सस्ता काम है सारा। सारे इंडिया खरीद जाते हैं मम्मी मजे लगा। ये इसकी हालत देखो, मम्मी ने मार दिया ऊपर में चढ़ गई पत्थर। वो तो कहीं भैया आई होप कि तुम लोगों ने यार अभी तक इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मामा जा रहे हैं, हमारे इतने बोलने के बाद भी बारिश हो रही है लेकिन रुकने को तैयार नहीं है। और ये अनंत की चेयर देखो, अनंत पॉटी कर रहा मेरे वॉकर पे। ए घटी हमारी माता श्री चोरी छुपे चोरी छुपे। अभी मामा ने घेवर मंगाया था कालीचरण से, यहाँ की फेमस शॉप है स्वीट शॉप, वहाँ से घेवर मंगाया था। अन्ना ने बोली कि चेक कर लो, तो फोन रखने के बहाने चेक कर रहे हैं घेवर। वो गए यार, तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और मस्ती की होगी। अगर इसमें कुछ भी आपको पसंद आया हो तो मुझे बताना और उस टाइप के कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और आगे मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। और नहीं शेयर करोगे तो क्या। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।